नमस्कार दोस्तों, न्यू एग्जाम यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और टेक्निकल हेल्पर के पदों पर नियुक्ति नहीं देने पर शासन सचिव को नोटिस जारी किया है और ये विद्युत विभाग बहुत ही धीमे से चल रहा है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो विद्युत विभाग की सारी भर्तियां निकली है वो अटकी पड़ी है। और अभी ये न्यूज आई है 17 मई 2019 को, ये न्यूज आई है दोस्तों, और मैं आपके पास लेकर आया। जैसे ही विद्युत विभाग की कोई न्यूज आती है तो आपके पास राजस्थान की तुरंत लेकर आते हैं। तो ये न्यूज है दैनिक भास्कर की, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की ओर से निकाली गई टेक्निकल हेल्पर की भर्ती को अभ्यर्थी को नियुक्ति नहीं देने पर ये कोर्ट में जा पहुंची है और आगे इसकी पूरी प्रक्रिया चल रही है। अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की ओर से निकाली गई टेक्निकल हेल्पर की भर्ती में अभ्यर्थी को नियुक्ति नहीं देने पर हाईकोर्ट ने ऊर्जा विभाग के शासन सचिव और महाप्रबंधक को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने इनसे जवाब मांगा है। अजीतगढ़ निवासी रतनलाल सैनी के अधिवक्ता संदीप कामलिया कलवानिया ने बताया कि पार्थी ने भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन किया था। लिखित परीक्षा में पार्थी के कट ऑफ से ज्यादा अंक प्राप्त हुए और उसने दस्तावेजों का भी सत्यापन करवा लिया। इसके बावजूद विभाग ने नियुक्ति नहीं दे रहा है। पार्थी से कम अंक वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति दे दी। अब रिक्त रहे पदों पर नियुक्ति देने के लिए विभाग ने आरक्षित सूची जारी की है जिसमें पार्थी से कम अंकों वाले अभ्यर्थियों को शामिल किया है, जबकि पार्थी के मुख्य चयन सूची के लिए जारी कट ऑफ से ज़्यादा अंक है। इस पर हाईकोर्ट ने विभाग ने शासन सचिव को नोटिस जारी किया है और नियुक्ति रोकने का जवाब मांगा है कि नियुक्ति क्यों रोक दी गई है। तो दोस्तों आपके पास कोर्ट आपके साथ खड़ी है, किसी भी मुसीबत में आपको कोर्ट का सहारा लेना चाहिए और अब नियुक्ति मिलेगी। अगर कोर्ट में लगी है तो नियुक्ति मिलेगी। और राजस्थान की टेक्निकल हेल्पर है जेवीएनएल हेल्पर सभी भर्तियों से संबंधित सूचना पाने के लिए आप न्यू एग्जाम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको ऑफिशियल न्यूज मिल सके। तो धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए।